So hey, what's up guys, good afternoon to you all and welcome back to another brand new video guys. So basically aaj hum log ja rahe hain Dhanbad ek bike ka delivery lene, to obviously ek acha gaadi ka hi delivery lene ja rahe hain. Unko aane dete hain. Koi aa raha hai kya? बारह किलोमीटर ये वाला क्या है? तू आर आर एम वाला नहीं नहीं आर सी बी बी तो आवाज दिखेगा ना उसको सिलेंसर का दो बार एक सिलेंडर ले लेगा ना. सो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए बरवड्डा मोड़ में एंड हियर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिटेलिंग माफिया जो कि बस एक किलोमीटर दूर है एंड वहाँ पे हम लोगों का स्पेशल बाइक का डिलीवरी है जो कि बहुतों का मतलब जिसने एक्चुअल में इंडिया में वो सुपर बाइक का क्रेज लाया इट्स दैट बाइक. अभी तक तो समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट मतलब सॉरी अगर समझ गए तो कमेंट कर दो विदाउट स्किपिंग द वीडियो. बाकी चल के तो दिखाना ही है. तो बस थोड़ा लेट हो गया ना. वो लोग तो गौरव लोग तो अभी आए नहीं ना. कौन नहीं आ रहा? अरे यार मैं दूर से आर आर 310 समझा, ये तो BMW है. सॉलिड लवली भाई का हेलमेट. भाई एक बार साइड से देखा ना हेलमेट, देखो भाई ने पूरा ग्राफिक्स करके रखा है. G310 RR जबरदस्त. भाई का चैनल जेक बेनस्टेड, जिसको इसके ऊपर वीडियो देखना है देख सकते हो तुम लोग. अरे यार नंबर मेरा फेवरेट है 47, ये नंबर मेरा फेवरेट है. हाँ मतलब 7 से लेके 7 का 0007 7000 0777 R3 है. ड्रैग नहीं, ड्रैग एक बार किए थे शायद 13 साल वाला से किए थे ना, TVS से किए, इसके साथ नहीं किए. चलो एक बार बनाते हैं ना. मजा आ गया भाई साहब. मजा है ना. और कोई आ रहा है यार? वो तो एक इधर से जाकर सारे बंदे वहीं से जाएंगे. बेस्ट साउंडिंग टू सिलेंडर बाइक. कांग्रेचुलेशंस गाइस, जिसको देखना है सब्सक्राइब कर लेना राइडर पॉइंट व्लॉग. ऑब्वियसली मुझसे तो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, कर ही लोगे लाइक. मैं बता रहा हूँ वाइट रेड में है और जो आएगा वो भी वाइट रेड में ही आने वाला है, तो अभी तक गेस कर लो यार जल्दी से. डिटेलिंग माफिया धनबाद. लवली लवली उधर रहा शेर, अब शेर निकलेगा. माइटर हो गया भाई. मजा आया लेकिन हमको बाइक लेने तो. हाँ और क्या. सो दिस इज द डिटेलिंग माफिया धनबाद एंड वो रहा नया बहु घूंघट के नीचे. भला चीज तुम्हें बोल रहे हो
আরে আমাকে ও ইয়ে করলো, আমি হড়বড়ি আছি, আমার কাজ ছিল মাঝে। সো ও রাহা ঘুঙ্গট কে নিচে জো হ্যাঁ। আব দেখো আপ লোক গেস করো অভি কি ইসকে অন্দর হ্যা ক্যা, সমঝ মে তো নেই ভাই, ইসকে অন্দর কার লাগ রা না ছোটা সা জো রহতা হ্যায়, লেকিন জো ভি হ্যায় ভাই এক নম্বর হোনে ওয়ালা হ্যায় জো ডেলিভারি হোনে ওয়ালা হ্যায় অভি। ওয়াও সো গাইস ফাইনালি উই আর হিয়ার এট ডিটেইলিং মাফিয়া ধনবাদ। মাহল গরম হ্যায় পুরা, বহু জো হ্যায় ও ঘুঙ্গট কে নিচে হ্যায়। দেখো অভি ভি টাইম হ্যায়, স্কিপ মত করনা, আর স্কিপ বিনা স্কিপ কিয়ে গেস করো কি ইসকে অন্দর ক্যা হ্যায়। দেখো শেপ দেখ কে সমঝ লো, सोच रहा ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, बाइक है कि कार है, ट्रैक्टर है कि क्या है बताओ। भाई लोग कौन सा बाइक है बताओ, किसी को अच्छा सब मिल के वोट कर रहा है भूसा बोलो, टेनार है कि हाया भूसा है, जो कि भाई साउंड मशीन है, और साउंड मशीन के आगे भाई कोई टिक नहीं सकता। सो गाइज फाइनली हम लोगों का इब्रार भैया का नया हायाबुसा का डिलीवरी हो गया है, एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, घर की ओर। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम वंस अगेन। और उनका तो यूट्यूब चैनल मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, राइडर पॉइंट ब्लॉग, जाके कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना। हाँ हाँ आपका यूट्यूब चैनल नहीं बच गया तो हाँ यार क्या साउंड है भाई, ग्रावलर का अलग ही मजा है। आज हमारा डिलीवरी वीडियो ख़त्म होता है, आप लोग निकलेंगे अपने घर की ओर,
एंड बाय द वे ड्रैग रेस वाला वीडियो देखना मत भूलना, वो शायद दो तीन वीडियो या अगले वीडियो में भी हो सकता है। सो एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस, इट्स 5:44, आई एम लीविंग फ्रॉम धनबाद बरवड्डी मोड़। देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर कितना दूर में कवर होता है। सो 70.3 किलोमीटर, लाइक 70 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी। बाय द वे मैं नॉर्मल चलाऊंगा, मतलब ओवर स्पीड नहीं करूँगा, अपना कंफर्ट लेवल में चलाऊंगा, लेट्स सी। सो गाइस, रास्ते में सब मिल गए। अरे यार, मेरे को निकले 5 मिनट ही हुए, मैं अभी यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ 5 मिनट एंड 73 किलोमीटर्स था कि 70 किलोमीटर्स था, जो भी हो घर जाके देख लूँगा शायद से, या तो 5 मिनट 5 किलोमीटर या तो 5 मिनट 8 किलोमीटर ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैं और शुभ अभी निकल गए घर के लिए एंड देखते हैं कितना देर में घुसते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है अगर नॉन स्टॉप चलाएँगे नॉर्मली तो 6:30 बजे तक एटलीस्ट जुबली मोड़ तो क्रॉस कर जाना चाहिए। नाउ लेट्स सी, ट्रैफिक और रोड कंडीशंस के ऊपर भी, मतलब रोड कंडीशंस नहीं बाकी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेरे को ट्रक का आसपास में ना बहुत डर लगता है, ऑनेस्टली पता नहीं क्यों, बट मुझे इंडीड बहुत ज़्यादा डर लगता है ट्रक से, ट्रकों से, एक्चुअली ट्रक से नहीं। मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे लेफ्ट लेन ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओवरटेक करते हुए निकलता हूँ अगर पॉसिबल होगा तो। गाइस, भीड़ देखो, कैसे जाऊं घर, कैसे कैसे जाऊं घर, इतना भीड़ में कैसे जाऊं। बस गार वाला ठोक ना दे, वही चीज का डर है, क्योंकि वो तो कार में है, उसका कुछ नहीं होगा, मैं बाइक में हूं, मेरा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट इन पॉइंट ऑफ स्क्रैचेस, समझ लो। बाप रे बाप यार, खालसा होटल के पास इतना भीड़ है। ओह अच्छा, नहीं ये धनबाद वाला मोड़ है, गोविंदपुर मोड़, उसी लिए क्या पता घर कितना बजे पहुंचूंगा। थोड़ा ज़्यादा ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है, 10-20 के ऊपर, 10 तो छोड़ो, लाइक 10-15 के ऊपर नहीं जा रहा है गाड़ी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है अभी यहाँ पे। अब पता नहीं कि यूजुअली ऐसे ही रहता है कि नहीं, हम लोग तो यहाँ के नहीं है, अनुपम भैया से पूछने से सही बताएगा। अभी कैमरा ऑफ करने का चलता है, मैं सोनेट में ठोक देता। सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डॉज करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं ये वाले, मतलब ऑफ रोड में, रोड है लेकिन रोड नहीं है, सो दैट मीन्स ऑफ रोड। बाय द वे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, कंप्लेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे जस्ट बोल रहा हूँ कि हाँ ऑफ रोड है। अच्छा, आगे और भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक है लेकिन मूविंग ट्रैफिक है, वो तो मूव भी नहीं कर रहा था। तो यहाँ से एक बार निकाल लेने से ना मैं हेडेक फ्री हो जाऊँगा यार। बाप रे, बहुत दूर तक ट्रैफिक है भाई साहब, वो शायद खालसा होटल मैं क्रॉस नहीं किया था उसमें उतना ट्रैफिक था। हाँ हाँ, यहाँ भी ट्रैफिक मिलेगा, ज़बरदस्त ट्रैफिक मिलेगा यहाँ भी। और ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फिलहाल अभी खालसा होटल, सो शायद इसके, हाँ हाँ यार यहाँ पे भी थोड़ा जाम लगता है, आई होप आप जल्दी निकल जाए यहाँ से। दो दो लाइन में ट्रक नहीं चलना चाहिए भाई, बहुत, मतलब एक लाइन प्राइवेट कार्स के लिए रख देना चाहिए या प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। चलो यार, गाड़ी हीट कर रहा था, थोड़ा खींच लिया तो ठंडा हो जाएगा। देखते हैं 88 किलोमीटर्स में R3 कितना लेता है, हिसाब से 4 से 5 लीटर मैक्सिमम आना चाहिए, 4 से 5 मैक्सिमम, हाँ वही 500 के आसपास, लेट्स सी कितना का आता है। चलिए 330 में छोड़ दीजिए तब, ठीक 3.3 लीटर, 350 का है सॉरी 330 का है भाई। सो 330 में ये चला है 88 किलोमीटर्स, किसका माइलेज के साथ, लेट्स सी 22.2, सही है भाई। मैंने हिसाब किया था 4 लाइक
हिसाब से चार चलना चाहिए, चार लीटर का आसपास, तो 3.5 liters, वेरी गुड, 25 का माइलेज अप्रॉक्सीमेटली, बहुत सही है। सो गाइस 25 मिनट हो गया निकले हुए, दिस वॉज द फर्स्ट ब्रेक आफ्टर लाइक सॉरी सेकेंड ब्रेक आफ्टर 18 किलोमीटर्स। शुभ को फ्यूल अप करवाना था, मैंने भी थोड़ा करवा लिया क्योंकि झारखंड में पेट्रोल कंपैरेटिवली चीपर है बंगाल से। चल अब चलते हैं। सो इट हैज़ बीन लाइक हाफ एन आवर सिंस आई लेफ्ट एंड आई हैव कवर्ड लाइक 26 किलोमीटर्स अंटिल नाउ। चलो 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 लेट्स गो गाइस, अभी रास्ता भी फाँका लाइक क्लियर हो गया एंड मैं भी आराम आराम से इकोनॉमी में चल रहा हूँ। देखते हैं ऐसे कितना देर में पहुँचते हैं, पहले जुबली का स्टॉप देखेंगे फिर घर का। सो आई एम क्रॉसिंग द माइथन टोल गेट, बहुत ज़्यादा डस्टी है। इट्स बीन 45 मिनट्स एंड 42 किलोमीटर्स अभी तक, 45 मिनट्स 42 किलोमीटर्स, गुड गोइंग। मेरा मन था 60 किलोमीटर का एवरेज अगर मेंटेन कर पाऊँ देन इट वुड बी ब्यूटिफुल, स्पेशली घर तक। चलो हो भी सकता है, लेट्स सी। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, माइथन में ट्रक का जाम, बाप रे, या इससे निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। चलो टारगेट वेस्ट, अभी लेट होगा। सो बेसिकली माइथन के इतने ट्रैफिक जाम के वजह से मैं घर पहुंच गया 7 बजे तक एंड जुबली मोड़ में पहुंचा था अराउंड 6:50 के आसपास।